सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। मैं महावीर, टुडे टॉक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूं, आने वाली टॉप 10 वैकेंसीज के बारे में या जो वैकेंसी चल रही है उनके बारे में। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। हर एक वैकेंसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ इस वीडियो में आपको 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन हर लेवल के लिए वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली वैकेंसी की बात करते हैं जो कि निकल कर आती है एसएससी की तरफ से, और एसएससी की इस वैकेंसी के अंदर दिल्ली पुलिस की पोस्ट जो है वो आपकी रखी जाती है। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट जो कि एसएससी कंडक्ट करवा रहा है, अप्रोक्स अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग 5000 पद होने की पॉसिबिलिटी है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, योग्यता की बात करूं तो 12वीं पास बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, मात्र आपका 12वीं पास होना जरूरी है। नोटिफिकेशन इसका 2 मार्च 2023 को निकलने वाला है और ये हमारी वैकेंसी नंबर 10 है, ठीक है। और वैकेंसी नंबर 1 तक मैं आपको इस वीडियो में लेकर जाऊंगा और सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो 12 महीने लगते हैं इसके सिलेक्शन में, यानी एक साल में लगभग आपको इसकी पोस्टिंग मिल जाती है। इसके बाद वैकेंसी नंबर 9 की बात करें तो एयरफोर्स एफकेट की वैकेंसी जो है हाल फिलहाल ही आने वाली वैकेंसी, यानी दिसंबर में इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी ये वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी ऑफ द ईयर है, यानी साल में सबसे बेहतरीन भर्ती इसको माना जाता है। वेरियस ट्रेड के लिए इसमें वैकेंसी होती है और इसमें बैचलर डिग्री यानी जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग स्ट्रीम के लिए इसमें वैकेंसी जो है वो आपकी रखी जाती है। नोटिफिकेशन आपका मैंने बताया दिसंबर 2022 में जारी हो जाएगा और प्रोसेस इसका भी सुपर फास्ट होता है, यानी इसमें भी 6-7 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी ये वैकेंसी है। इसके बाद बात करें तो आईबी इंटेलिजेंसी ब्यूरो ACIO रिक्रूटमेंट आपकी निकलने वाली है और ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट इसमें रहने वाली है। तो ये वैकेंसी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है और ये 2 साल में एक बार कंडक्ट करवाई जाती है, तो इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो ये जो वैकेंसी है अब हाल फिलहाल आपकी आने वाली है और पॉसिबिलिटी है कि जनवरी या मार्च तक 2023 में इसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा और इसमें भी बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें लगभग 12-14 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है और ऑफिसर लेवल की इसमें पोस्ट आपकी रहती है। शानदार इसमें आपको ग्रेड पे दिया जाता है, अच्छे भले इसमें पैसे आपको दिए जाते हैं। फिर है SSC GD कांस्टेबल जो कि ऑनगोइंग वैकेंसी है। इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर 24,000 प्लस इस बार पोस्ट रखी गई है। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। 12-14 महीने में इसका सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। SSC वर्तमान में जो रिक्रूटमेंट निकाल रही है उनको काफी फास्ट तरीके से कंप्लीट करवा रही है और इसकी जो लास्ट डेट है ये 30 नवंबर 2022 है, यानी थोड़े दिन बाद में इसकी जो डेट है वो चली जाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो जरूर आप आवेदन करें और इसका जो एग्जाम है ये जनवरी 2022 में आपका होने वाला है। इसके बाद बात करें तो SBI क्लर्क की रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है। लगभग इसमें 5000 पदों का बोला जा रहा है और इसमें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना जरूरी है और फीमेल कैटेगरी के लिए यानी गर्ल्स कैटेगरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसको माना जाता है। और वैसे भी SBI क्लर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वैकेंसी है। नोटिफिकेशन इसका मार्च अप्रैल 2023 में निकल कर आएगा। शानदार वैकेंसी है, आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में है IBPS ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एंड अवेटेड वैकेंसी है। 4000 के आसपास इसमें पोस्ट रहने की संभावना है और क्वालिफिकेशन इसमें आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना जरूरी है, ठीक है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस इसका सुपर फास्ट रहता है, 6-10 मंथ में इसमें आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है और अच्छे भले इसमें आपको सैलरी भी दी जाती है और अच्छा भला इसका पैकेज आपको मिल जाता है। इसके बाद में अगर बात करें वैकेंसी नंबर 4 की तो NBE ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जूनियर असिस्टेंट और MTS की वैकेंसी निकालता है। लगभग मैं बात करूं तो इसके अंदर हो सकता है इस बार 2000 के आसपास इसमें पद देखने को मिले क्योंकि ये बात चल रही है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 12th पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस की मैं बात करूं तो लगभग 10 से 12 महीने में इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नोटिफिकेशन इसका 2022 में ही आने की संभावना, यानी इस महीने में या अगले महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेवें क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे मैं आपको डिटेल से बताता जाऊंगा किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से इसका सिलेबस
और सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इन सभी के मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े तो एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट जो है जिसकी लास्ट डेट 23 नवंबर यानी जो लास्ट डेट है वो आपकी आ चुकी है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें दो ट्रेड आपको है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड से आप आवेदन कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष इसके अंदर एज लिमिट है, और यहां पर मैं बात करूं तो 12वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। प्रोसेसर इसका भी सुपर फास्ट है, यानी बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा करवा दिया जाता है, तो यह भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसके बाद बात करें वैकेंसी नंबर 2 की, तो IDBI एग्जीक्यूटिव वैकेंसी निकलती है जिसमें लगभग 900 के आसपास इस बार पोस्ट रहने की संभावना है, और यह भी वैकेंसी शानदार है। मात्र एक ही एग्जाम में आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं आपको सिलेबस के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल से जानकारी दे दूंगा, इसीलिए कह रहा हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एज इसमें 20 to 25 years रखी जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वालों को भी इसमें जो है मौका दिया जा सकता है। प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस भी सुपर फास्ट है, बहुत शानदार तरीके से वैकेंसी पूरी होती है। और इसकी मैं बात करूं तो इसकी लास्ट डेट तो खैर अभी नहीं, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये आपकी 2022 दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी के अंदर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद आती है अपनी वैकेंसी नंबर 1 यानी SSC MTS की वैकेंसी, और ये जो है इस बार लगभग 7 से 10 हजार पदों पर आने की पूरी संभावना है। एज की बात करूं तो 18 से 25 वर्ष। अब एज को लेकर मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट इसमें मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन इसमें मात्र 10वीं पास रखा जाता है, और 10वीं पास के लिए सबसे बेस्ट ये वैकेंसी है। एग्जाम पैटर्न भी काफी अच्छा है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, अगर आप दिल से तैयारी करते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रोसेस की बात करें तो 11 से 12 महीने में इस बार SSC काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है, तो लगभग आप मानकर चलो कि एक साल में इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट डेट की बात करूं तो 25th of January 2023 को जो इसका नोटिफिकेशन है वो आएगा, तो यहां पर ये मैं आपको नोटिफिकेशन डेट जो है वो बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी क्या है, नोटिफिकेशन की डेट है, ठीक है। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, 25 जनवरी 2023 को इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी क्या है पॉसिबिलिटी है, तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होंगे मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। आपको लगता है किसी दूसरी वैकेंसी की मैं जानकारी दूं, या जो आपकी फेवरेट वैकेंसी है उसकी मैं जानकारी दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अच्छा सा बेहतरीन सा वीडियो लेकर आऊं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।